चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म होली के मौके पर क्राइक फाइटर बिहार झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया। जी हां, आपको बता दें कि करीब 100 से ज्यादा सेंटर पर बिहार झारखंड में क्राइक फाइटर को रिलीज किया गया और रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर पवन सिंह की क्राइक फाइटर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ फिल्म को पांचवें दिन भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन मिला है। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने अब तक पांचवें दिन कितना कलेक्शन किया होगा। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया कि फिल्म ने पांचवें दिन कलेक्शन क्या किया होगा, लेकिन जिस तरीके से सोमवार को भी सिनेमाघरों में अच्छा खासा भीड़ देखा गया उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म ने पांचवें दिन करीब 8 से 10 लाख रुपए का कारोबार किया है, जो कि संडे के अपेक्षा थोड़ा कम है। और कुल मिला के 5 दिन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 55 से 60 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि यह ऑफिशियली डेटा नहीं है। क्राइक फाइटर में सुपरस्टार पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके बॉलीवुड और साउथ के विलन प्रदीप रावत पहली बार भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं और पवन सिंह के साथ दमदार डायलॉग और फाइट सीन पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पवन सिंह का धमाकेदार फिल्म क्राइक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म क्राइक फाइटर का जरूर लुत्फ उठाएं। और जिन लोगों ने क्राइक फाइटर देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का एक्शन पैक अंदाज क्राइक फाइटर में कैसा लगा।